Dear learners, myself Dr. Rajesh Matpal, Department of Physics, School of Sciences, Uttarakhand Open University. Today we are going to discuss the second topic of heat and thermodynamics. In last topic we discussed about thermodynamics and then zeroth law of thermodynamics, concept of heat and concept of thermal equilibrium. Except that we discussed about the concept of temperature. Today we are going to start with the thermodynamic coordinates. So the first of all, thermodynamic coordinate. We have thermodynamic coordinates. Like we have coordinate in geometry, we have coordinates x, y, and z. You all are aware about x, y, and z axis. If a particle changes its position, then its coordinate changes. Suppose it is here, the coordinates are x1, y1, z1, and if it goes here, then the coordinates are suppose x2, y2, and z2. Similarly, for a thermodynamic system, if thermodynamic coordinate changes, the state of the system changes. For example, we have water. This is a liquid state. For example, it has some coordinate of pressure P and temperature T. If we give heat to it, then water will be vaporized at boiling point. जब आप इसको heat देंगे, तो एक certain interval के बाद ये क्या होगा आपका vaporization हो जाएगा और इसकी state में changes आ जाएंगे. तो आपका change of state जो है, उसको define करने के लिए या किसी particular सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए जिन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन कोऑर्डिनेट्स को हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट कहते हैं. फिलहाल इस सेक्शन में हम तीन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. जैसा इस एग्जांपल में अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आप लो टेम्परेचर पर रखते हैं और साथ में जो वेपर प्रेशर बाहर से लग रहा है, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर वो भी लो रहता है 180 जिसको हम लेते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 प्रेशर पे आपका ये जो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. मींस लिक्विड आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका वेपर स्टेट में. तो ये आपकी लिक्विड जो वाटर है, वाटर आपका कन्वर्ट हो गया वेपर में. तो लिक्विड से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्जन हो गया है. तो यहां पर हम इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो रिस्पॉन्सिबल है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, और वो है P, V और T. एक होती है आपकी टर्म आ रहा है थर्मोडायनेमिक, उसके साथ में एक चीज बोल रहा हूं, दैट इज स्टेट. तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या चीज होती है? थर्मोडायनेमिक स्टेट कोई सिस्टम किस स्टेट में, लिक्विड, गैस या फिर वो आपका सॉलिड स्टेट में होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका टेम्परेचर फॉल कर देता हूं तो ये आपका आइस बन जाएगा. अगर हम इसका टेम्परेचर फॉल कर देंगे तो ये आइस बन जाएगा, और आइस कौन से स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में. तो हमें स्टेट को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है. अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि खाली टेम्परेचर ही सफिशियंट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर जो है वेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है. प्रेशर भी इंपॉर्टेंट साथ में है कि अगर आपका 180 प्रेशर लग रहा है इधर से, तो जब आपका वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के, उस समय लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है. सपोज अगर मैं ऐसा करूं कि यहां से जो वेपर प्रेशर है, आप इसको समझिए थोड़ा सा, जो यहां पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है उसको 180 की जगह सपोज 280 करता हूं, तो अब मेरा वेपर प्रेशर जब 280 होगा तब लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा. अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर है वो 180 का प्रेशर अगर जनरेट करता है, तो आपको 280 जनरेट करने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक समझने के लिए अपने को हम समझ लेते हैं कि सपोज 280 का प्रेशर वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जनरेट करता है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. तो इसके जो कोऑर्डिनेट है 2 और 200 हो गया. तो जैसे यहाँ पे आपकी स्टेट को डिफाइन करते थे, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, हम लोग इस तरीके से बात करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, उसी तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट को डिफाइन करने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें और डिस्कस करेंगे, जैसे आपको
वर्क डन की हम बात करते हैं, सपोज कोई सिस्टम है, ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसको मैं यहां पे हीट देता हूं, और सपोज ये जो पिस्टन है इसको हम बोल देते हैं यहां से पिस्टन, ये आपका हमने लगा दिया पिस्टन यहां पे, ठीक है। सपोज पहले आपने किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, किसी प्रेशर पी पे आपकी पहले इनिशियल पोजीशन ये थी, बाद में ये जो आपका पिस्टन है वो पीछे की तरफ को खिसक गया, और सपोज ये डिस्टेंस आपकी dx हो गई, दिस डिस्टेंस इज dx, एंड सपोज द एरिया ऑफ पिस्टन दिस वन, दिस एरिया ऑफ पिस्टन इज a। तो एक आपने सिलेंड्रिकल आपने एक यहाँ पे सिस्टम कंसिडर कर लिया है जिसमें ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का जो एरिया है a है, पिस्टन इस प्रेशर की वजह से dx पीछे की तरफ को खिसक गया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस सेक्शन की अगर आप बात करोगे, ये जो सेक्शन आपका बन रहा है, देखिए ये मैं इसको डिफरेंट तरीके से मार्क कर देता हूं समझाने के लिए, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया कितना है देखिए ए है और डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएक्स, तो ये एक स्मॉल वॉल्यूम डीवी हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने बोला कि अगर यहां से पिस्टन इस जगह से इस जगह मूव किया है तो वर्क डन हुआ होगा, यानी कि जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, यहां पे जो गैस मैंने रखी हुई है, उस गैस को जो मैंने हीट सप्लाई की, उसने क्या किया, इस पिस्टन को प्रेशर लगा के पीछे की तरफ को धकेल दिया है, और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है कि वहां पर वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन क्या होता है आपका, सबको पता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम इनको थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम एक काम करते हैं, फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, और डिस्प्लेसमेंट को सपोज हमने यहां पे जो यूनिट आ रही है हमारी डीएक्स है, इस क्वांटिटी को एरिया से डिवाइड कर दीजिए और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं बेटा प्रेशर, और ए डी एक्स ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया था, ए डी एक्स कितना था डीवी। तो जैसे आप वर्क को डिफाइन कर दे, दैट इज एफ डी एक्स, थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप सीधे उसको लिखेंगे पी डीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, अगर आप करते हैं देन दैट इज वर्क डन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, अब आपका अगर प्रेशर सपोज इनिशियल प्रेशर P1 है, वहां से आपका प्रेशर सपोज एक कांस्टेंट प्रेशर P पे आपका जो वॉल्यूम है सपोज वो चेंज हो रहा है, सपोज इनिशियल कोई वॉल्यूम है V1 है और V1 से वो चेंज होता है V2 तक, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ TW, अगर हमें स्मॉल वैल्यू दी है कंप्लीट निकालना है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DW देन इंटीग्रेशन DW दैट इज P dV। तो PDV में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लिख देंगे हम लोग V1 से V2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं PDV करके V1 to V2, then we will find the work done. Later on we will discuss the work done during the isothermal process and adiabatic process. तो आप इस तरीके से इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके पास होता है। चलिए अब हमने एक चीज सीखी यहाँ पे कि अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पी डीवी होता है। तो हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर डायग्राम दिया गया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम के अंदर क्या होगा कि अगर इस तरीके से कोई थर्मोडायनेमिक चेंज आपको दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, उसके अंडर जितना भी एरिया आता है उस एरिया को अगर आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं निकालता हूं देखो एरिया, तो एरिया जैसे मैथमेटिक्स में अगर एक्स वाई एक्सिस होती थी तो हम लोग एक्स वाई एक्सिस में एरिया क्या निकालते हैं आपका एक्स इंटू वाई हम लोग करते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक एक्सिस में प्रेशर है एक में वॉल्यूम है, तो एरिया हो जाएगा हमारा प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और अभी मैंने आपको सिखाया कि फिजिक्स के अंदर प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो क्वांटिटी है उसको हम वर्क डन कहते हैं। तो आप इसमें पीवी डायग्राम का आप तो फाइंड आउट करेंगे एरिया, एरिया फाइंड आउट करने जाएंगे पीवी डायग्राम का, लेकिन जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो आप यहां पर इस तरीके से इसे पढ़ें कि अगर कभी आपको पीवी डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है
तो आपसे बोला जाएगा कि अगर एरिया आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला जाएगा किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, तो आपको क्या करना है, पीवी डायग्राम के अंदर सीधे वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट कर देना है। तो आप चाहें तो स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स द वर्क डन। तो एक तो आपके पास वर्क डन निकालने का ये तरीका है, पीडीबी लिखें, फिर आप इसको इंटीग्रेट करें। दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस दी हुई है उसमें आपको वर्क डन निकालना है, तो आपके पास सिंपल सा तरीका है कि आप उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और एरिया जो है आपका वर्क डन दे देगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसे हमें डिस्कस करना है, एक बीच में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी मैंने आपको जैसे पहले थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट बोले पीवीटी, और किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड रहते हैं जिसको पीवीटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी सुन लें आप, इक्वेशन ऑफ स्टेट आपका एक टॉपिक रहता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पी वी और टी में जो रिलेशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन जो इक्वेशन देती है उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई, इक्वेशन विच एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो पी वी इज इक्वल टू आर टी इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट। सिमिलरली वी हैव वैन डेर वाल गैस इक्वेशन, P plus A upon V square V minus B is equal to RT. P plus A upon V square V minus B is equal to RT. P is pressure, V volume, A and B are constant, R gas constant and T is temperature. So this equation and this equation, these equations are example of equation of state. So for the question equation of state, you will say the equation which establishes relation between PV and T, because the state liquid, gaseous or vapor is defined by the pressure. Like we discuss, if pressure is 1 atm, if vapor pressure is 1 atm and temperature is 100 degree centigrade, then water will convert into vapor. So state is changing, the relation between these are called equation of state. Now we will discuss for an example work done for isothermal process. First of all we will discuss what is process. देखिए हम बोलते हैं ना कि एक डेली लाइफ में वैसे भी हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस मीन्स अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे हमने कहीं पे कुछ अप्लाई किया हुआ है, सपोज लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और लोन आने वाला है, आप फाइल लगाई हुई है, तो आप बोलते हैं ना प्रोसेसिंग में है, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं, आप कोई काम चल रहा होता है प्रोसेस में बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस का मीन्स होता है कि अगर आप कोई कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं, चाहे वो प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो अगर कोई थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन निकालना है हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका आइसो और यहाँ पे आपका थर्मल हो गया। आइसोथर्मल मींस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है आपका सेम रहता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रोसेस मींस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को आप चेंज करें, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज करें, वो तो प्रोसेस हो गई, लेकिन प्रोसेस के आगे नाम क्या लिखा है उन्होंने, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी, ऐसी प्रोसेस जिसमें आप चेंज करने में आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शन ये लगा दिया कि आप टेम्परेचर को चेंज ना करें। प्रोसेस जनरल डेफिनेशन तो हो गई कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर कोई भी चेंज हो सकता है, लेकिन आइसोथर्मल में उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि सिर्फ किसको चेंज करवाना है, प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उनके लिए हम बोलते हैं कि वो ओबे करती है किसको, पीवी इज इक्वल टू आर टी। ध्यान रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है वो आपकी गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी को ओबे करती है। अब आइसोथर्मल का एक एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, सपोज आपने यहाँ पे कोई गैस को रखा हुआ है, ठीक है, यहां आपने इसका पिस्टन लगा दिया,
अब पिस्टन से आप क्या करेंगे, जब इसको आप कंप्रेस करेंगे पिस्टन को, सपोज यहाँ पे आपने गैस रखी हुई है, तो जब आप इसको पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो गैस का कंप्रेशन होगा, और जब भी कंप्रेशन होता है, जैसे अगर आप 5-7 लोग किसी रूम में बैठे हुए हैं, बड़े रूम में बैठे, तो गर्मी कम लगेगी, अगर पास पास हो जाए कंप्रेशन कर दें तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप कंप्रेशन करेंगे तो कंप्रेशन करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। देखिए आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रोसेस। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप इसको आइसोथर्मल बोलना चाह रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको चेंज करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि टेम्परेचर आपका चेंज ना हो। तो हम क्या करते हैं, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इस तरीके से कंप्रेस किया जाता है कि स्लोली अगर हम इसको धीरे 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 कंप्रेस करें, सो दैट इसको कंप्रेस करने से जो टेम्परेचर में कुछ राइज होगा, हल्का सा भी अगर टेम्परेचर राइज करता है, तो वो राइज ऑफ टेम्परेचर इन दीवारों से बाहर निकल जाए इस तरीके से, सो दैट इसका टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट बना रहे। फिर बोलूं कि इसको धीरे धीरे आपको कंप्रेस करना है, धीरे धीरे कंप्रेस करने के दौरान अगर टेम्परेचर हल्का सा भी राइज होगा, तो वो राइज ऑफ टेम्परेचर ये आपकी जो परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, इनको हम बोलते हैं, ये जो वॉल्स हैं हमारी कैसी होती हैं, परफेक्टली कंडक्टिंग, इन परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू ये यहां से बाहर निकल जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा सिस्टम का ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। इसके लिए हमें वर्क डन निकालना है। तो देखिए अभी इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वर्क डन क्या होता है, हमने बोला कि वर्क डन पी डीवी होता है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपने सपोज ये कोई प्रोसेस ली, इसमें आपने यहां से पिस्टन को इधर आप लेके आ गए हैं, कितना हो गया डीएक्स, आपने इसको कंप्रेस किया, यहाँ टेम्परेचर आपने कॉन्स्टेंट बने रहने दिया, और आपका यहाँ पर वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, डीवी का वॉल्यूम, क्योंकि ये एरिया ए है, तो ये वॉल्यूम कितना आएगा, देखो ए डी एक्स आ जाएगा, डीवी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हम कह रहे हैं वर्क डन होता है आपका पी डीवी। तो आप कहते हैं कि सपोज इनिशियली किसी सिस्टम का इसका वॉल्यूम पहले V1 था, फाइनली V2 हो गया, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW, दैट इज V1 टू V2। DW की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ PDV देन V1 टू V2। अभी इसी में मैंने आपको बताया कि ये जो गैसेस होती हैं PV इज इक्वल टू RT को फॉलो करती हैं। तो यहां से P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, RT बाई V। वैल्यू ऑफ पी इज आर टी बाई वी, तो इस वैल्यू को उठा करके हम यहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए क्या होगा, आर टी बाई वी और इधर डीवी हो जाएगा, आर टी आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/V डीवी एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज V1 टू V2। इंटीग्रेशन ऑफ 1/V इज लॉग V, इंटीग्रेशन ऑफ 1/V इज लॉग V, देन दिस इज आर टी log V and limit is V1 to V2. यह जगह आपका RT log upper limit minus lower limit and this is RT log V2 by V1. The property of log is log M minus N is log M upon N. So this value is in the base E base. Now, to convert log E base into 10 base, we will multiply by 2.303. This expression is, or W is equal to 2.303. Whenever we convert log E base into log 10 base, we use this term 2.303 RT log 10 base V2 by V1. जो लॉग टेबल में हमें वैल्यू दी रहती है वो लॉग 10 बेस में दी रहती है, एक्सप्रेशन हम ई बेस के लिए सॉल्व करते हैं, इसलिए हम लास्ट में जब इसको कभी भी कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 को यूज करके इसको लॉग 10 बेस में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।